दोस्तों बांग्लादेश के खिलाफ भारत को मिली जीत तो पॉइंट्स टेबल में टीम इंडिया का सपना हुआ पूरा। दो मिली ऐसी बड़ी खुशखबरियां जो कि पूरे देश को जाननी चाहिए, तो तुम सभी वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर तुम भी चाहते हो कि भारतीय टीम इस साल T20 वर्ल्ड कप जीते तो वीडियो को भी जरूर लाइक करना। तो चलिए अब ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों जैसे जैसे ICC T20 विश्व कप अब अपने अंतिम चरण पर पहुंच रहा है, अब रोमांचक मुकाबलों की तादाद भी बढ़ती चली जा रही है। जी हां दोस्तों, यहां पर भारत और बांग्लादेश की टीम के बीच सुपर 12 का 35वां मुकाबला खेला गया और इस मुकाबले को टीम इंडिया ने अंतिम ओवर की अंतिम गेंद पर 5 रन से जीता। जी हां दोस्तों, इस मुकाबले में भारत की तरफ से विराट कोहली ने जहां 64 रन बनाए थे तो वहीं KL राहुल ने 50 रन की पारी खेली थी, जिसकी बदौलत टीम इंडिया 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 184 रन बना पाने में कामयाब हो सकी। हालांकि दोस्तों लक्ष्य काफी बड़ा था बांग्लादेश की टीम के सामने, लेकिन जिस तरह की शुरुआत उनकी टीम के बल्लेबाज लिटन दास ने टीम को दी थी उसके बाद तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ भारत की हार होना तय, क्योंकि यहाँ पर लिटन दास ने 27 गेंदों में ही 60 रन जड़ डाले थे और बांग्लादेश की टीम जीतने की राह पर आगे लगातार बढ़ती चली जा रही थी। लेकिन दोस्तों वो तो शुक्र हो बारिश का, क्योंकि यहाँ पर बारिश हुई मैदान पर, जिसके चलते 7वें ओवर के बाद मुकाबले को थोड़ी देर के लिए रोका गया और मुकाबला फिर जब शुरू हुआ तो 4 ओवर कम कर दिए गए थे और लक्ष्य रह गया था 151 रन का। हालांकि दोस्तों यहाँ पर भारत ने इस मुकाबले को अर्शदीप सिंह और हार्दिक पांड्या की शानदार गेंदबाजी की बदौलत जीता। तो वहीं दोस्तों DLS मेथड के नियम के तहत 5 रन से जीतने के बाद भारतीय टीम को पॉइंट टेबल में बड़ा इजाफा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पॉइंट टेबल में भारतीय टीम के सारे अरमान और सपने पूरे हो चुके हैं। जिन उम्मीदों से हमारी भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया आई थी वो उम्मीदें अब पूरी होती हुई नजर आ रही है। दरअसल दोस्तों आप सब यहाँ पर पॉइंट टेबल में देख सकते हो कि भारतीय टीम को बड़ी खुशखबरी मिली है, तो वहीं साउथ अफ्रीका बांग्लादेश की टीमों को इस हार के साथ बड़ा नुकसान हो गया है। तो आइए ग्रुप दो की एक एक कर आपको पूरी पॉइंट टेबल बताते हुए चलते हैं। तो दोस्तों पॉइंट टेबल की शुरुआत करते हैं नीचे से, जहां 6ठे नंबर पर निकल कर आती है नीदरलैंड की टीम, जिसने 4 मैच खेले हैं, 1 में इनको जीत मिली है और 3 में इनको हार का सामना करना पड़ा है और 2 पॉइंट्स के साथ ये 6ठे नंबर पर है। तो वहीं दोस्तों 5वें नंबर पर आती है पाकिस्तान की टीम, जहां पाकिस्तान की टीम ने 3 मैच खेले हैं, 1 में इनको जीत मिली, 2 में इनको हार का सामना करना पड़ा और 2 पॉइंट्स के साथ ये 5वें नंबर पर है। हालांकि दोस्तों पाकिस्तान और नीदरलैंड दोनों ही टीमें ICC T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने की रेस से बाहर हो चुकी है। तो वहीं 4ठे नंबर पर निकल कर आती है जिम्बाब्वे की टीम, जहां जिम्बाब्वे की टीम ने 4 मैच खेले हैं, 1 में इनको जीत मिली है, 2 में इनको हार का सामना करना पड़ा है और 3 पॉइंट्स के साथ ये 4ठे नंबर पर है। हालांकि एक मुकाबला इनका बारिश के चलते रद्द हो गया था, जिसके चलते इनको 1 पॉइंट वहां मिला। वहीं बात करें 3रे नंबर की टीम के बारे में, तो 3रे नंबर पर आती है बांग्लादेश की टीम, जहां बांग्लादेश की टीम को भारत के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा, जहां 4 मैचों में 2 मैच इन्होंने जीते, 2 मैचों में ये हारे हैं और 4 पॉइंट्स के साथ -1.2 के नेट रन रेट के साथ ये 3रे नंबर पर है। तो वहीं दोस्तों 2रे नंबर पर आ चुकी है साउथ अफ्रीका की टीम, जहां साउथ अफ्रीका की टीम ने 3 मुकाबले खेले हैं, 2 में इनको जीत मिली, 5 में इनको हार का सामना करना पड़ा और दोस्तों +2.7 के नेट रन रेट के साथ साउथ अफ्रीका की टीम 2रे नंबर पर बनी हुई है। हालांकि दोस्तों अब बात आती है पहली टीम के बारे में, तो ये पहली टीम कोई और नहीं बल्कि हमारी टीम इंडिया है। दरअसल दोस्तों भारत ने 4 मैच खेले हैं, 3 में इनको जीत मिली है, 1 मैच में इनको हार का सामना करना पड़ा और 0.7 के नेट रन रेट के साथ हमारी टीम इंडिया 6 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर बनी हुई है और यहाँ तक कि भारतीय टीम ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली वो पहली टीम भी बन गई है, जिसके चलते ये पूरे भारत देश के लिए काफी बड़ी खुशखबरी है। लेकिन इसी बीच हम आपको बता दें कि एक भारत की जीत के बाद पाकिस्तान बाहर हुआ, नीदरलैंड बाहर हुआ और जिम्बाब्वे की टीम का भी सफर अब समाप्त हो चुका है, जिसके चलते अब ये 3 टीमें तो कैसे भी क्वालिफाई कर नहीं सकती। तो वहीं बात करें अगर ग्रुप 1 की पॉइंट टेबल में, तो वहां पर न्यूजीलैंड की टीम पहले नंबर पर है, इंग्लैंड की टीम 2रे नंबर पर आती है, 3रे नंबर पर आती है ऑस्ट्रेलिया की टीम, वहीं 4ठे नंबर पर श्रीलंका की टीम का नाम आता है, 5वें पर आयरलैंड और 6ठे नंबर पर अफगानिस्तान की टीम है और इस ग्रुप में श्रीलंका, आयरलैंड और अफगानिस्तान की टीमें सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई है, जिसके चलते भारत को 2 बड़ी खुशखबरियां मिल गई है। एक तो वो सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है, तो वहीं दूसरी तरफ उसने अपने चीर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान की टीम को बाहर खदेड़ दिया है और वहीं श्रीलंका, जिसने एशिया कप में हमें हराया था, वो भी अब बाहर है। तो ऐसे में भारत ने अपने बदलों को पूरा कर लिया है और अब आप सभी की क्या राय है सेमीफाइनल में पहुंचने के बारे में, आप अपनी कीमती राय हमें जरूर बताइएगा।